जय श्री श्याम दोस्तों, आपको पता है भगवान को सबसे ज्यादा याद कहाँ किया जाता है? आप कहेंगे मंदिरों में। नहीं नहीं, मंदिरों में सबसे ज्यादा भगवान को याद नहीं किया जाता, क्योंकि मंदिरों में तो लोग जाते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। भगवान को अगर सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो है हॉस्पिटलों में। आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में देखेंगे, चाहे एम्स, पीजीआई, आईएमसी जो भी है, तो बड़े से बड़ा या छोटे से हॉस्पिटल, हर एक आदमी वहाँ पे मायूस मिलेगा और 99% लोग वहाँ भगवान से प्रार्थना करते हुए मिलेंगे कि मुझे या मेरे प्रियजनों को आप ठीक कर दीजिए। तो मुद्दे की बात यह है कि इंसान सारी जीवन सुखों के पीछे भागता रहता है और भगवान को याद करना भूल जाता है, और जब एकदम से उसके जीवन में दुख आते हैं तो वो भगवान की शरण में चला जाता है। तो उससे अच्छा अगर आप शुरू से ही भगवत गीता की शरण में जाते हैं या भगवत मार्ग पे चलते हैं तो आपके अंदर दुखों से लड़ने की क्षमता आ जाएगी, क्योंकि दुख तो आपके जीवन में आने ही आने हैं। आप चाहे भक्त हो चाहे भक्त नहीं हो, ये संसार है ही दुखों का सागर, इसलिए इसे दुखालय भी कहा जाता है। तो अगर आपके जीवन में भी सुख है तो कभी ना कभी आपके जीवन में दुख आएगा ही आएगा। तो इसलिए अगर आप शुरू से ही भगवत मार्ग पे चलते हैं तो आपके अंदर इन दुखों से लड़ने की क्षमता आ जाएगी। तो जिन लोगों को भक्ति का ज्ञान नहीं होता है तो जब उनके जीवन में एकदम से दुख आ जाता है, या तो लोग फिर नास्तिक बन जाते हैं, या फिर भगवान को गालियां देने लग जाते हैं, या फिर उनका जीवन अंधकार में चला जाता है। इसलिए आप आज से ही भक्ति की प्रैक्टिस शुरू कीजिए, तो जो आने वाले आपके जीवन में दुख होंगे तो उससे लड़ने की क्षमता आपको मिल जाएगी।